हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकी है और वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से है। रांची की वैकेंसी है ये और इसमें नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी है जिसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप www.jssc.nic.in पर लॉग इन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ है, बट जो छूट है वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है, जिसकी जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ है। बाकी को 100 पे करना है, लेकिन झारखंड के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स को 50 रुपीज़ पे करने हैं। एंड आगे देखते हैं इसमें कितने रिक्तियों के विवरण है, वैकेंसी की डिटेल्स इसमें दे रखा है। देखिए, परिचारिका श्रेणी ए मीन्स नर्स ग्रेड ए, जिसमें कि अनारक्षित की 141 सीट्स हैं, अनुसूचित जनजाति की 2 सीट्स हैं, अनुसूचित जाति की 37, अति पिछड़ा वर्ग 23, पिछड़ा वर्ग सेकेंड 24 एंड EWS कैटेगरी में जो आते हैं उनकी 37 सीट्स हैं। टोटल मिला के 350 बनती है। खेलकूद कोटा से 7 वैकेंसीज हैं एंड जो सेरेब्रल पाल्सी है उसकी 15 वैकेंसीज है। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपकी 370 सीट्स बनती है। टोटल 370 सीट्स बनती हैं आपकी, जिसमें आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड कैंडिडेट्स हैं, आउट ऑफ झारखंड स्टेट से हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो इसमें नर्स ग्रेड ए है जिसका पे लेवल 7 है, 44,900 मिनिमम है, मैक्सिमम है 1,42,400। और इसमें जो मांगी गई है बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग मांगी गई है एंड जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कोई एक्सपीरियंस बीएससी नर्सिंग वालों के लिए नहीं मांगा गया है, इसमें सिर्फ जीएनएम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो झारखंड का होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन झारखंड का होना चाहिए या INC का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड साथ ही साथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपका चल जाएगा यहाँ पे। एंड आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, जो कि मिनिमम 50 बेडेड में होना चाहिए। आफ्टर कोर्स 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आगे देख लेते हैं हम, आगे इसमें दे रखा है कि जो इसमें मिनिमम एज है, देख लेते हैं मिनिमम एज एंड मैक्सिमम। जो मिनिमम एज है वो है 31 मार्च 2021, गलती से प्रिंट आउट हो गया है दोस्तों, ये 2022 है। तो नर्स ग्रेड ए के लिए जो वो है मिनिमम एज 31 मार्च 2021 तक पूरी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें देख लेते हैं अनारक्षित जो और जो EWS जनरल और EWS कैटेगरी में जो आते हैं, EWS एंड जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 35 ईयर्स हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग पुरुष 37 ईयर्स, महिला जो अनारक्षित में आती हैं अनुसूचित 1 अनुसूचित 2 में आती हैं उनकी 38 ईयर्स हैं, और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति जिसमें पुरुष और महिला दोनों हैं उसकी 40 साल की एज लिमिट है। साथ ही साथ आगे देख लेते हैं हम, एडमिट कार्ड आपको साइट पे अपडेट हो जाएगा, आप चैनल पे बने रहिए, आपको चैनल पे एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा जैसे ही इसकी ऑफिशियल साइट पे आएगा। साथ ही अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियाँ, इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स दे रखी हैं जैसा कि यहाँ पे बता रखा है आपको
कि का नंबर पर लिखा है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करना करने हेतु 2 मई 2022 से लेकर 31 मई 2022 तक का टाइम मिलेगा आपको, और पेमेंट फ़ी पे करने का जो आपका टाइम है वो आपको मिलेगा, आपको 4 जून तक मिलेगा आपको टाइम। फ़ोटो एंड साइन को अपलोड करने के लिए, फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद जो प्रिंट आउट है आप 7 जून तक ले सकते हैं। तो साथ ही साथ देख लेते हैं, कोई भी आपको एप्लीकेशन में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पे 10 जून तक कर सकते हैं। बाकी यहाँ देख लेते हैं, सिलेबस दे रखा है, सिलेबस में दे रखा है इन्होंने कि 4 प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के होंगे, एक क्वेश्चन में 4 नंबर दिए जाएंगे और गलत होने पे 1 नंबर काट दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो नर्सिंग से संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दे रखा है इन्होंने कि एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है, सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला नर्सिंग का है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में आपका आ जाता है न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी की हाइजीन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन आ जाएगा, और साथ साथ मेंटल हेल्थ आ जाएगा आपका। और यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर में इन्फेक्शन इम्यूनाइजेशन के टॉपिक पढ़ लेना, कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ लेना, कम्युनिटी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब पढ़ लेना, जैसे वाइटल साइंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये सब पढ़ लेना। प्राइमरी मेडिकल केयर पढ़ लेना जिसमें टाइप्स ऑफ ड्रग आ जाएगा, ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, माइनर एलिमेंट में कौन सी ड्रग्स यूज़ करेंगे, कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स कौन सी होगी, और फर्स्ट एड जो होता है आपका वो सब आप पढ़ लेना। साथ ही साथ यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक्स, आप पीडियाट्रिक्स पढ़ लेना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लेना, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस एट्सेट्रा। यहाँ पर मिडवाइफरी भी दे रखी है, मिडवाइफरी का बहुत बड़ा पोर्शन है यहाँ पे, जिसमें नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल फीमेल पेल्विस, फीटल स्कल, एंड आगे आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, जिसमें कि सब सेंटर के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक, कोऑर्डिनेशन, इन्वेंट्री, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, अपडेट नॉलेज, तो ये सब इसमें पूछे जाएंगे आपसे, तो आप ये सब पढ़ लेना। तो ये सिलेबस था और ये आपकी वैकेंसी की डिटेल थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।